कोलकाता महानगर की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के तत्वावधान में भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 के स्वागत में एक विराट एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन पिछले बुधवार को सायं 5 बजे काठगोला श्याम मंदिर से भूतनाथ घाट तक हुआ। यह शोभा यात्रा श्याम बाबा मंदिर के पास से प्रारंभ होकर मालापारा, कलाकार स्ट्रीट, महात्मा गांधी रोड, रविंद्र सरणी, नीमतल्ला घाट स्ट्रीट होते हुए बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचे, जहां निर्मल गंगा चेतना मंच के द्वारा आयोजित मां गंगा की भव्य आरती के साथ इसका समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में महानगर की कई संस्थाओं यथा गौड़ीय मिशन, निर्मल गंगा चेतना मंच, संस्कृति प्रचार समिति, विश्व हिंदू परिषद, कल्याण आश्रम, श्री सालासर भक्त वृंद, श्याम प्रेम मंडल काठगोला, मातृभूमि सेवा संघ, मारुति सेवा समिति, राम शरद कोठारी स्मृति संघ, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, नॉर्थ कलकत्ता जनहित्री रामनवमी महोत्सव समिति, माहेश्वरी सेवा समिति, स्वर्णिम फाउंडेशन, हिंदू जागरण मंच तथा रामदेव बाबा प्राचीन मंदिर आदि ने झांकियों के साथ भाग लिया। भूतनाथ घाट पर आयोजित समापन समारोह के प्रारंभ में अध्यक्ष निर्मल कुमार सराफ सहित हमराज सरावगी, गौड़ीय मिशन के श्री ऋषिकेश महाराज, प्रधान अतिथि जयप्रकाश सिंह, पार्षद विजय उपाध्याय, तीन कौरी दत्ता, शंकरलाल कारीवाल, पूर्णिमा कोठारी प्रभृति अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्पण कर विक्रम संवत 2080 के शुभारंभ पर इसके लिए मंगल कामना की। संस्था के अध्यक्ष आचार्य राकेश पांडे ने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को परमात्मा ने एक से अनेक होने की चेतन सृष्टि का निर्माण किया। बाबा भूतनाथ से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके अभिनंदन के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वक्तव्य रखने का अधिक समय नहीं है, क्योंकि अब हम सब गंगा आरती का आनंद लेना चाहते हैं। इंद्रदेव की कृपा हो रही है, आज इंद्रदेव देखिए आशीर्वाद देने के लिए साक्षात यहाँ पर विराजमान है। अब हम सब ईश्वर की कृपा से माँ गंगा की आरती करके और इसका लाभ लें। बोले गंगा मैया की जय, श्री राम बाबा भूतनाथ की हर 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 महादेव। हमारे राष्ट्रीय अस्मिता एवं स्वाभिमान के प्रतीक के साथ प्राचीन काल गणना का श्रेष्ठतम साक्ष्य है नववर्ष। इस वर्ष माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आई हैं, जो खुशहाली का परिचायक हैं। संस्था के संरक्षक श्री लक्ष्मीकांत तिवारी ने नववर्ष पर सबको हार्दिक बधाई दी। इस मौके पर मुकुंददास राठी, राजेश सारडा, अजय जालान, कैलाश सुल्तानिया, शारदा लखोटिया, किशन किला, दामोदर विद्वक्ता, हांसु शेखर प्रभृति मंच पर उपस्थित थे। संस्था का परिचय देते हुए शैलेश बागड़ी ने कहा कि संस्था पक्ष का यह आयोजन कर रही है। धन्यवाद ज्ञापन किया सह मंत्री आर नितिन ने तथा कार्यक्रम का कुशल संचालन किया उपाध्यक्ष संजय मंडल ने। इस मौके पर महेश केडिया, कमल शाह, सत्य प्रकाश राय, अजय कुमार सराफ, रोहित शर्मा, कौशिक घोष, ब्रजेश बागड़ी, राजकुमार भाला, राजू लाठ, प्रीति सेठिया एवं शुभम उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। महावीर बजाज, ब्रह्मानंद बंग, शंकरलाल अग्रवाल, दिनेश केडिया, तमग्नो घोष, विमल मलावत, शशि नरसरिया, अंकित शर्मा, संजय अग्रवाल, अपूर्वा पांडे, पूर्णिमा चक्रवर्ती, अनीता बुबना, ब्रजेश वल्लभ राठी, कमलेश पांडे, संदीप धेलिया, अजित वर्मा, विनोद सिंह, अरुण सोनी, आदित्य विनानी, संजीव केडिया, अशोक दुबे, सुरेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, लाला, वीरेंद्र मोदी, रजत चतुर्वेदी, सुमन गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, यशवंत सिंह,
प्रवृत्ति गण्यमान नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों ने गंगा आरती में भाग लिया एवं भारत माता की जय का उद्घोष भी किया। समारोह को सफल बनाने में शंभु मोदी, संदीप चौधरी, राम गोपाल सुंघा, प्रमोद अग्रवाल, अमित भालोटिया, संदीप धेलिया, आनंद नरसरिया, राकेश रावत, पूनम गौंड, रेणुका शर्मा, कुसुम मोदी, किरण चौरसिया, रश्मि तापड़िया, राजकुमार डागा, निशित अग्रवाल, शिव सोनकर, जतिन सेवक, विजय भाला, नीरज पांडे, यश बिन्नानी, प्रदीप अग्रवाल, जुगल कयाल, योगेश भौतिका, नीतीश सिंह, सुमन तोसनीवाल, पार्षद विजय ओझा एवं किशन झवर प्रवृत्ति ने सक्रिय भूमिका निभाई। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।